इंडस्ट्रियल फार्मेसी के आखिरी मोड़ पे, आखिरी घाट पे हम पहुंचे हैं, यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है कुल 3 चैप्टर, कॉस्मेटिक्स, लड़कियां ध्यान से पढ़ेंगी, दूसरा एरोसॉल और तीसरा है आपका पैकेजिंग। तो तीनों चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कॉस्मेटिक्स, यानी चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 5 का इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। तो कॉस्मेटिक्स देखिए, ये बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी है। 5 से 20-30 साल पहले इसका उतना प्रचलन नहीं था। किसी की शादी भी होती थी तो दुल्हन गई, कुआं से पानी निकाली, बल्टी से मुंह धोई, अब दो चार ठीक करीम वरीम पोती और आराम से आकर ब्याह में बैठ गई। दुल्हा झंडू बाम बन के आदर उदर बहुत और शादी कर लेता था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा प्रचलन बदल गया है। अब तो बहुत खर्चे हैं, 25-30 हजार के ब्यूटी पार्लर खर्चे होते, 40-45 लड़के का मेकअप भी शुरू हो गया है। अब तो ननंद भौजाई जेठानी मौसी मामी सबका मेकअप होने लगा है, तो काफी खर्चा है। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, बहुत ग्लोबल मार्केट हो गया है। बहुत सी कंपनी है, जैसे निविया वगैरह है, हिमालय वगैरह है, और ये सब कंपनियों का बिजनेस बहुत बड़ा है। बाबा रामदेव भी आ गए इसमें, पीछे नहीं है वो। तो काफी बड़ा बिजनेस हो गया है कॉस्मेटिक्स का, क्योंकि लोग अब अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं। स्टेटस का जमाना है, फेसबुक व्हाट्सएप पहले नहीं था, अब उनको रोज स्टेटस लगाना है तो सुंदर भी दिखेंगे, सेल्फी लेना है, ये सब नहीं था। तो इस केस में कॉस्मेटिक का मार्केट बढ़ा है। तो फिलहाल हम उधर नहीं जाएंगे, हम अपनी पढ़ाई पे आते हैं। कॉस्मेटिक जो वर्ड है ग्रीक भाषा के आपके कॉस्मेटिकोस शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। जो ग्रीक भाषा का कॉस्मेटिकोस शब्द होता है, जिसका अंग्रेजी मतलब होता है एम्बेलिशमेंट और हिंदी मतलब होता है अलंकार। अलंकार आपने सुना है, जैसे व्यक्ति अपने ऊपर कुछ भी लगा लेता है जिससे वो सुंदर दिखने लगे, चमकने लगे, दमकने लगे। तो उस केस में क्या होता है कि ग्रीक भाषा के कॉस्मेटिकोस शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एम्बेलिशमेंट। तो हम पहले पॉइंट शुरू कर सकते हैं कि कॉस्मेटिक, द टर्म कॉस्मेटिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिकोस व्हिच मींस द एम्बेलिशमेंट, ठीक है। यानी एनीथिंग व्हिच आर यूज्ड टू द फॉर द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द स्किन, दिस इज कॉल्ड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। इसका डेफिनेशन एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के हिसाब से आपको बताऊं, तो आपके सामने बता दूं कि हिंदी में क्या होता है। कोई भी ऐसा सामान, ड्रग एंड कॉस्मेटिक कहता है कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको मनुष्य अपने शरीर पर लगाता है, अपने रब करता है, पोर करता है, अट्रैक्ट करता है, चिपकाता है, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, उसी को हम लोग कॉस्मेटिक कहते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सरकारी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आप जरूर याद कर लीजिएगा, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का एक डेफिनेशन कॉपी में लिख लीजिएगा जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, कि मींस एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड ऑन और इंट्रोड्यूस इनटू अदर और अदरवाइज एप्लीकेटेड टू द ह्यूमन बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द क्लींजिंग, ब्यूटीफाइंग, प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस और अल्टरिंग द अपीयरेंस and include any article intended for use or as a component of the cosmetic is called cosmetic, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे थी, आपने देखा, आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि क्या होता है कॉस्मेटिक का फंक्शन। क्या हमारा कॉस्मेटिक का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना ही है? क्या अपने लुक को अपीयर करना, अच्छा दिखाना है, ठीक है? तो वो उससे बेहतर भी है, कुछ अलग भी है। तो कॉस्मेटिक के अलग अलग फंक्शन होते हैं, सिर्फ सुंदर दिखना इसका फंक्शन नहीं है। तो डायरेक्ट नेक्स्ट हेडिंग, फंक्शन ऑफ कॉस्मेटिक। तो आपके सामने कुछ बातें मैं करूंगा कॉस्मेटिक के फंक्शन के। पहला फंक्शन है क्लीनिंग, बस ऐसे आपको लिखना है, देयर आर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कॉस्मेटिक। पहला है क्लीनिंग, शरीर की सफाई करना। बहुत से लोग भी ऐसे भी है जो ठंडी आ रही है, हफ्ता हफ्ता का 12-15 दिन नहीं नहाएंगे, तो बस क्या करेंगे, परफ्यूम उबारेंगे, क्रीम लगाएंगे और चले जाएंगे। क्लीनिंग की बात हो रही है। दूसरा होता है कलरिंग, जैसे आप हेयर कलर करते हैं, बालों को कलर करते हैं और नेल वगैरह कलर करते हैं, तो वो भी कलरिंग भी कॉस्मेटिक्स का फंक्शन है। अगला है इंक्रीज अट्रैक्शन, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी खूबसूरती को बढ़ाना ताकि लोग आपको देखें, ठीक है। आप काफी तैयार हो जाते हैं शादी के बारात में, लोग आपको देखे, आप दूसरों को देखते हैं, आप भी सोचते रहते हैं, हाँ काफी कुछ भी होता रहता है, तो वो अट्रैक्शन को इंक्रीज करना। अगला फंक्शन है कवरिंग। कवरिंग का मतलब है कि अगर आपकी कोई भी स्किन से, मान लीजिए कहीं आपका हाथ पैर जला है, कोई चीज है, उसको छिपाने के लिए आपने कुछ क्रीम या पाउडर लगा दिया, उसको ढक दिया, तो कवर हो गया। या आप मान लीजिए कि आप क्रिस गेल टाइप के हैं और आप सोचते हैं कि मैं इतना पाउडर पोत ले कि और हम ब्रिटली दिखने लग जाए, रिकी पोर्टी दिखने लग जाए, तो वो भी एक तरह का कवरिंग है, यानी अपने कलर को, एक्चुअल कलर को छुपाना। जैसे होता है लड़कियां, बहुत अच्छा खासा मेकअप होता है, तो पता चला कि वो भाई शादी हो गई, मेकअप हुआ, बहुत सुंदर चमक रही है, अगले दिन मुंह धो के सामने आए, दूल्हा डर गया है, तो वो भी होता है कवरिंग। मतलब अपने कलर को छिपाना, चेहरे किसी भी चीज को छिपाना भी आपका इसका फंक्शन है। अगला है प्रोटेक्शन, जैसे कि आप बोरोप्लस लगा रहे हैं, कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, अभी कहीं भी जला कटा है, आप कोई क्रीम लगा रहे हैं, या सन प्रोटेक्शन के लिए कि धूप में जाए तो आप काले ना हो, तो सन प्रोटेक्शन के लिए जो आप एसपीएफ फैक्टर वगैरह आते हैं, तो कोई भी क्रीम धूल या धूप से बचने के लिए, कोई भी प्रोटेक्शन भी किसका काम होता है, हमारे
बेसिकली आपको फंक्शन एक ऑसिलेटर है। अगला है अल्टरेशन ऑफ अपीयरेंस, यानी आप जैसा दिखते हैं उसमें अल्टरेशन करना, उससे थोड़ा सा बदल देना। जैसे मान लीजिए आपकी शादी है और आप दूल्हे हैं और आपको लगता है कि आप कम सुंदर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, हर व्यक्ति अपने आप में बहुत सुंदर होता है। अपनी मम्मी से पूछिए, आपसे सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं है, तो ब्यूटी पार्लर जाके थोड़ा सा अपने आप को चेंज करते हैं, अल्टरेशन करते हैं। तो अल्टरेशन ऑफ अपीयरेंस भी एक किसका फंक्शन है, आपके कॉस्मेटिक का। और अगला है ब्यूटिफिकेशन, जो लास्ट है, ब्यूटिफिकेशन मतलब सुंदरता को बढ़ाना, ठीक है, लास्ट में कुल मिला के खुद बॉडी के सुंदरता को बढ़ाना, फेयर कलर देना, गोरापन देना, ठीक है। तो जरूरी नहीं गोरापन ही सुंदरता होता है, सामने लोग बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि एज ए कॉस्मेटिक ब्यूटिफिकेशन भी किसके अंदर रहता है, इसके फंक्शन के अंदर रहता है। तो अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स की, तो बॉडी के किस पार्ट पे कहाँ पे इसका अप्लाई किया जा रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑन बॉडी एंड यूज, हम लोग इसको बेसिकली पांच कैटेगरी में बांट सकते हैं। पांच कैटेगरी क्या है क्लासिफिकेशन की, पहला है प्रिपरेशन रिलेटेड टू स्किन, जो हम अपने स्किन में अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं प्रिपरेशन रिलेटेड टू स्किन। दूसरा है प्रिपरेशन रिलेटेड टू हेयर, बालों के लिए। तीसरा है प्रिपरेशन रिलेटेड टू नेल्स, अपने नेल्स के लिए। ओरल हाइजीन यानी माउथ कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर, एंड बाथ प्रिपरेशन जो नहाने के, ठीक है। तो इनके बेसिस पे किस तरह का यूज है, किस जगह पे यूज है, इसको पांच कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखेगा, कुछ भी इसमें डिटेल की जरूरत नहीं है, एग्जांपल लिख लीजिएगा बस। जैसे पहला है प्रिपरेशन रिलेटेड टू स्किन, तो अब स्किन के लिए हम लोग गर्मियों में पाउडर यूज करते हैं, ठीक है। तो एक पाउडर प्रिपरेशन में आपके आ गया, कौन कौन से पाउडर आते हैं, डस्टिंग पाउडर होते हैं, कुछ फ्रेग्रेंस पाउडर होते हैं जिसको आप लगाते हैं, कुछ आपके आफ्टर सेव पाउडर होते हैं, जो आप जाते हैं ना दुकानों पे, जब आपकी दाढ़ी वाढ़ी बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, पाउडर लगा के रगड़ता वगड़ता है, तो आफ्टर सेव पाउडर भी अलग अलग एग्जांपल्स हैं। जैसे क्रीम की बात कर ले, तो क्रीम आप जानते हैं बहुत तरह से क्रीम आते हैं, तो आप बहुत सारे क्रीम यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्रीम्स, तो वो क्रीम आती है आपके स्किन प्रोटेक्शन के लिए। लोशंस आते हैं जो आप स्किन पे लगाते हैं, आजकल बॉडी लोशन आता है, ठंडियों में आपकी स्किन रूखी होती है तो उसको लगाने के लिए आप बॉडी लोशन वगैरह यूज करते हैं, तो वो लोशन है। और कलरेंट मतलब जो रंगने के लिए, रंगने के लिए क्या होता है फ्रेंड, आप तो करेंगे नहीं, लड़कियां यूज करती है लिपस्टिक, जो लिपस्टिक इसका एग्जांपल है कलरेंट का, वो स्किन के ऊपर यानी आपके लिप्स के स्किन के ऊपर वो उसको यूज करती है कलरफुल करने के लिए, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस बढ़े। तो ये उसका हो गया एग्जांपल कलरेंट का। दूसरा है प्रिपरेशन रिलेटेड टू हेयर, यानी बालों के लिए जो भी चीजें यूज करते हैं कॉस्मेटिक, उन्हें हम हेयर कॉस्मेटिक्स कहेंगे। इसमें तीन कैटेगरी आ सकती है, हेयर केयर, जो हेयर की केयर के लिए होती है, जैसे कि शैम्पूज हो गए, ठीक है, ऑयल हो गया, ये सब क्या है, हेयर केयर के लिए होते हैं। दूसरा एग्जांपल है हेयर रिमूवल्स, जो बात आप देखते हैं सेविंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो क्रीम्स वगैरह आती है मार्केट में, वो हेयर रिमूवल क्रीम है, एग्जांपल आपको सब पता है, आप लिख लीजिएगा। और आई रिलेटेड मतलब क्या होते हैं कि जो ऐसे आपकी आंखें हैं, मतलब आपकी आंखें तो नहीं, आप तो लड़के हैं, आजकल लड़के बहुत शौकीन हो गए हैं, लड़कियों से आगे निकल गए, टिकटॉक से आया है, तो क्या होती है जो लड़कियां होती है, आपकी आईब्रोज होती हैं, आई लैसेस होती हैं, उसके लिए कुछ ब्यूटी आइटम आते हैं, जैसे कि मस्कारा आता है, आईलाइनर आता है, ठीक है, ये सब जो क्रीम जाते हैं ये सब किसके लिए, आई रिलेटेड। लड़के भी बनाने लग गए हैं भाई, टिकटॉक आ गया तो कोई लड़का है कौन लड़की पता ही नहीं चलता, दुनिया बदल गई है। अगला है प्रिपरेशन रिलेटेड टू नेल्स, तो नेल के लिए नेल पेंट्स आते हैं, आपको पता है थिनर्स आते हैं, ये आप जानते हैं, ये सब अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको लगे कि इसका एग्जांपल हमको याद नहीं, तो आपकी कोई दोस्त यार होंगी लड़कियां, आप उनको व्हाट्सएप करके उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ कौन कौन सा एग्जांपल मैं लिख दूँ, तो बता देंगे आप, उनके पास हजार तरह की वैरायटी है, उनको पता है कि कई तरह की चीजें, वो आपको सब बता देंगे, ठीक है। ओरल हाइजीन की बात करें, जैसे मुंह की सफाई के लिए बात करें, तो आप देखिए पाउडर आता है, जैसे पाउडर में टूथ पाउडर आता है ना, जो आप दंत मंजन करते हैं, डबल लाल दंत मंजन, कोई दंत मंजन, वो टूथ पाउडर की ओरल कॉस्मेटिक के अंदर आता है। पेस्ट में आ जाए तो टूथ पेस्ट आते हैं, अलग अलग प्रकार के वो किसके अंदर आते हैं, वो भी आपके ओरल हाइजीन कॉस्मेटिक्स में आते हैं। और माउथ वॉश जो गार्गल्स वगैरह आते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं, ओरल हाइजीन प्रिपरेशन के अंदर आते हैं। बाद में बात करें बाथ प्रिपरेशन के लिए, तो बाथ प्रिपरेशन के लिए एग्जांपल आपको पता है कि सोप है, शैम्पू तो ऑलरेडी हमने वहां ले लिया, सोप होते हैं, फोम आते हैं, जेल आते हैं, तो अब तो भैया केवल पहले साबुन आता था, अब तो बहुत कुछ आने लगे हैं नहाने के लिए, फोम वगैरह आता है, जेल वगैरह आता है, ठीक है। तो उसका भी एग्जांपल आप यहाँ पर देख के लिख सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन एंड यूज। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके अलग प्रॉपर्टीज के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलते रहिए, पढ़ते रहिए, यूनिट 5 भी खत्म करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।